फारूक आपकी क्या राय है? मैंने कहा मेरी राय यह है कि बहुत झगड़े हो गए, वो रहे उनके पास, हमारे पास ये रहे, बॉर्डर आसान करें, लोग आते जाते रहें, रिश्ते बनते रहें, तो वो जो दिल में एक जख्म है वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगा। हम ये कहें नहीं जी हमने वो लेना है, वो कहेंगे तो मरेगा कौन? मरेंगे तो हम ही, वो भी बम हम पे ही गिराएंगे, हम भी उन पे गिराएंगे, तो मिलेगा क्या एंड में? ना आपने जो मैं जो समझा, आपने कहा कि आपने वाजपेयी जी की सलाह दी कि LOC को, और मैं आपको बताऊं वाजपेयी ने मुझे जवाब क्या दिया जी? उन्होंने मुझसे कहा फारूक मैंने यही बात की नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि यही एक सोल्यूशन है LOC को। आज क्योंकि फौज हमारे साथ इस मामले में नहीं है इसलिए हमें रुकना पड़ेगा दोनों की, मगर शुक्र है आज मैं देखता हूं कि आज फौज का जनरल भी वहां का, फौज वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत के वजीर आजम के, वो भी आज चाहती है कि हिंदुस्तान से बातचीत से निभाना। LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर मान के ये बात आप कहना चाहते हैं ना? चावला साहब, फारूक अब्दुल्ला को चीज बनाने वाला नहीं है, ये दो मुल्कों ने बैठ के बात करनी है। तो आपको सुझाव तो यही है ना? मैं तो देखिए जब मुझसे पूछेंगे, जब मुझे बुलाएंगे उस टेबल पे, मैं अपनी राय वहां रखूंगा। जो अटल जी को राय दी थी वही दोगे ना? मैं राय दूंगा जिसमें दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जिंदगी में आराम से रह सके, तरक्की कर सके और आगे चल सके। भाई अब देखो 370 जैसे अबॉलिश किया उन्होंने, उनका जैसे देश के साथ इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, एक साल के बाद आपको लगता नहीं है कि वहां पर लोग सहमत हैं, कोई कुछ अपोजिशन दिखाई नहीं देती? देखिए फारूक अब्दुल्ला कहेगा, देखिए चावला साहब अगर फारूक अब्दुल्ला कहेगा वो अलग बात है, आप खुद जाके देखिए ना, मुझे क्यों पूछते? अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि साहब आतंकवाद भी खत्म हो गया जब से 5 अगस्त उनका काम हो गया, अच्छा वो भी खत्म हो गया, तरक्की आसमान से है, लोग खुशहाल हैं, जाइए देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कहता हूं देश के वासियों से कहता हूं जाओ देखो, खुद देखो कि चुनाव हुए, तरक्की की, आप चुनाव लड़े, कहां हमारा ये कहां पहुंचे हैं आपने चुनाव? हमें देखिए देश के लिए हम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने से कुछ नहीं बनेगा, हमें लोगों को कहना चाहिए कि आओ भाई देखो और रास्ता निकालने की बात करो। हम थोड़ा कहते हैं रास्ता मत निकालो, हम तो कहते हैं वो रास्ता ढूंढो जिससे कि नफरतें दूर हों, हम लोग दिल से ये कहें कि हम ठीक हैं। भाई इस सरकार का कहना ये है कि पिछले 40-50 साल के अंदर वहां पर विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, पैसे वो तो नहीं, वो तो कहते हैं सारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वही IITs कैसे बनी बताइए, हमारे ये न्यूक्लियर साइंस कैसे बढ़ा, नहीं कश्मीर हमारे मेजर हॉस्पिटल्स कैसे बने, ये जो हमारे सड़कें हैं और पानी विकास है और बिजली के कैसे बने? हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ, झगड़ा इस बात है कश्मीर में डेवलप हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, नहीं कश्मीर में उतना विकास नहीं हुआ जितना बाकी देश में हुआ, ये तो बात सच है ना? किसने कहा आपसे? आंकड़े बता, किसने बता? आपकी सरकार ने आंकड़े बताए, आपने आंकड़े देखने चाहिए जो गुलाम नबी आजाद ने कहे राज्यसभा में, और कंपेयर किया गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, और उसमें दिखाया कि जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है, होटल 5 स्टार ज्यादा खुल सकते थे, वहां पर टूरिज्म ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, कैसे आएगा टूरिज्म? इंटरनेशनल, एक तरफ से गोलियां चल रही हैं, एक तरफ से बॉर्डर गर्म है, एक तरफ से आपके लोग मर रहे हैं, तो यहां से लोग जाएंगे? नहीं वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोग खड़े हो ना गोलियों के खिलाफ, खड़े हो जाएं, अरे खड़े हो जाएंगे जैसे म्यांमार में खड़े हो गए और सभा कर दिए, क्या बात कर रहे हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वहां बैठ के बात करो ना, आपके फादर और आप पॉपुलर लीडर थे, लोग इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ माय फादर और मी, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपके पीछे लोग चलते थे, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप ये मत कहिए कि हमने तरक्की नहीं की, हमने बहुत तरक्की की, और ये जो आपने किया 9 अगस्त को तब से देखिए हमारी तरक्की कहां पहुंची है, हम सब नीचे चले गए, लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिगर आ रही है रोज सरकार दे रही है हमारे को, लोग क्या कर रही है ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, लोग जो बहुत कुछ कहते हैं वो तो आसमान को जमीन पर लाने की बात करते हैं मगर नीचे कुछ नहीं है। तो आपको जो उनका कहना है टेररिस्ट एंट्री इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ, ये सब कम हुआ, सब झूठ है, एनीथिंग इज अ टेररिस्ट लेस, टेररिज्म इज लेस, दिस व्हाट दे हैव रिलीज द फिगर एंड सर व्हेन आर यू स्टार्टेड ब्रीविंग द फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन बट देयर नो ऑर्डिनरी फिगर्स दे से यू दैट व्हेन दे डिड दिस पैसा जब इन्होंने कोई डीमोनेटाइजेशन किया वो किया पैसे को हटा दिया
उसे क्या हमने तरक्की की? जीडीपी जो 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 उसके लिए ने वो नई नई चीज़ें लाई।